बाबरी मस्जिद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को लेकर हाथरस जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। जिलाधिकारी हाथरस ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के साथ साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को लेकर हाथरस जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। बुधवार को जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लचकार, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर पीड़ा, आपार पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स के साथ थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर चौराहे से फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के साथ साथ शहर के मधुगढ़ी, इगलास अड्डा, मुरशान गेट, लाला कनगला, घास की मंडी में फ्लैग मार्च निकाला। ये उसी के परिप्रेक्ष्य में आज रिहर्सल किया गया है। शहर के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया और वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट कराया गया और ताकि पूरा अभ्यास हो सके और मुसीबती घड़ी में सब अपने अपने पॉइंट से सब पहुँच जाएँ। और मेरे जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरा फ्लैग मार्च आयोजित किया गया और अगले हफ्ते भी इसको किया जाएगा। निरंतर रूप से पूरे हाथरस जनपद में विभिन्न विभिन्न तहसीलों में इसको आयोजित किया जाएगा।